नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है फिर से। आज मैं एक और समस्या लेके आया हूँ। ये भाई बड़ी दूर से आया है और छोटी सी प्रॉब्लम थी तो इनको पता नहीं था, तो आज आपको मैं इसीलिए बता रहा हूँ। भैया क्या प्रॉब्लम है आपकी बाइक में? भैया इसमें एक तो सेल्फ स्टार्ट काम नहीं कर रहा था और फिर इंडिकेटर डायरेक्ट हो गए थे। अच्छा, और फिर इसके हॉर्न भी काम नहीं कर रहे थे। ओके, तो ये 2 दिन पहले हुआ था ये। ओके, तो आज मैं आया आपके पास। अच्छा, तो देखो इसमें कोई बड़ी बड़ी समस्या वाली बात भी नहीं थी, और भैया बहुत दूर से आए हैं, यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर आए हैं। इनका ये सेल्फ भी काम नहीं कर रहा है। देखो ये ऑन है और इसका न्यूट्रल लाइट भी नहीं जल रही है, ना इंडिकेटर जल रहे हैं, सब कुछ कुछ भी काम नहीं कर रहा, बैटरी के कनेक्शन कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आज आपको मैं दिखाऊंगा कि इसमें छोटी सी बीमारी से ही आप घर पे भी ठीक कर सकते हो, घर पे ही वायरिंग आप रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, अपन चाबी निकालते हैं। पैनल को हटाना है, लेफ्ट हैंड का बैटरी वाली साइड का लॉक को खींच लेना है। ठीक है, सीट को हटा लेना है, चाबी को लगा देना है। ठीक है, इसमें ये फ्यूज वाला सिस्टम है, इसको हटाते हैं। देखो भैया आपका ये फ्यूज खराब है। ठीक है, ये फ्यूज खराब है आपका। हाँ भैया, तो ये आपका खराब हो चुका है, इसके अंदर एक और आता है या नहीं है तो आप इसको बेसिकली डायरेक्ट भी कर सकते हो आप। अच्छा भैया, तो आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, देखो इसमें लाइट आ गई क्या? आ रही है। आ गई, पहले काम करने लगा है। हाँ, ये इतनी सी बीमारी थी और कोई ज़्यादा बीमारी नहीं थी इसमें। अच्छा, तो अपने पास एक्स्ट्रा फ्यूज है तो अपन इसको लगा देंगे। ठीक है, और वायरिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसमें भैया? इसमें वायरिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें एक ये है तो ये आपकी कोयल खराब हो चुकी है। हाँ, तो आपका ये डायरेक्ट तो जल रहा है, इंडिकेटर दिखाना भैया। हाँ, डायरेक्ट जल रही है ये, इधर डायरेक्ट जल रही है, ये पीछे का भी जल रहा है आपका। हाँ, तो ये कोयल है ना, ये यहाँ से खत्म खराब हो चुकी है ना भैया। तो ये आपका दूसरा डलेगा। ठीक है भैया, इस कोयल को हटाते हैं भैया। ठीक है, हाँ भी। दूसरी लगा के चेक कर लेते हैं ये कॉइल, इससे जलता है या नहीं जलता है। मिंडा की कॉइल लगा रहे भैया, प्लेसर कॉइल है ये। देखो भैया जल्दी नहीं, पीछे जमेगा नहीं। ओके भैया, ये खराबी थी अपने, ये कोयल की खराबी थी तो अपन ने मिंडा का ओरिजिनल प्लेसर कोयल लगा दिया है, इसकी कोई दिक्कत नहीं होगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों।